गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारी चौथी कविता सोने का अंडा। ये एक कहानी है जो कि कविता के रूप में बताई गई है। इस कहानी में एक लोभी आदमी है जो कि बहुत ही गरीब है लेकिन लालची है। रूखी सूखी रोटी खाकर अपनी ज़िंदगी जो है गुजार रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वो बहुत ही दुखी है और साथ ही लोभी भी है, लालची भी है। हमें पता है लालच के क्या है, हमेशा जो दुष्परिणाम होते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो आज हम उसके आगे की जो पद है, जो तीसरा पद है हमारा, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कविता के पंक्तियों को पढ़ूंगा, उसके बाद उसका भावार्थ बताऊंगा। पर किस्मत ने पलटा खाया, लोभी के घर में धन आया। उसने मुर्गी पाली एक, जो थी सीधी अति ही नेक। देखिए यहाँ पर आपको मुर्गी दिखाई दे रही है जो उसने पाली है। जो ही होता रोज सवेरा, वह करती डेरे का घेरा। दो सोने के अंडे प्यारे, देती थी वह उठ भिन सारे। अब देखिए इस कविता में आए हुए नए शब्द, किस्मत, किस्मत यानि भाग्य, तकदीर, पलटना यानि बदलना, नेक यानि भला, डेरा यानि घर, भिन सारे यानि सवेरे, सवेरा है कि नहीं। अब देखिए, पर किस्मत ने पलटा खाया, लोभी के घर में धन आया। उसने मुर्गी पाली एक, जो थी सीधी अति ही नेक। देखिए अचानक क्या हुआ, वो जो लोभी आदमी था उसकी किस्मत बदल गई है, उसका भाग्य बदल गया है। उसने क्या है, एक दिन उसे एक मुर्गी मिली है, वो मुर्गी उसने पाली है और वो जो मुर्गी है वो बहुत ही सीधी सादी और बहुत ही नेक भली थी। उसके आने के बाद जो है, ये जो लोभी आदमी है उसकी किस्मत जो है पलट गई है, उसके घर में धन आने लगा है, पैसा आने लगा है। कैसे आने लगा है तो आप देखते हैं। हम देखिए, ये जो मुर्गी है, ये मुर्गी उसने पाली है और ये जो मुर्गी है, जो ही होता रोज सवेरा, वह करती डेरे का फेरा। दो सोने के अंडे प्यारे, देती थी वह उठ भिन सारे। अब देखिए, जैसे ही सवेरा होता, वो मुर्गी रोज सवेरे घर में आकर दो सोने के अंडे देती थी। रोज सवेरे सवेरे वो जो मुर्गी है बाहर फिरकर आती थी और रोज सवेरे दो सोने के अंडे देती थी, और वो जो सोने के अंडे के वजह से जो है, वो जो लोभी आदमी है उसके घर में क्या है, धन आने लगा है और वो जो है खुशी खुशी अपनी अपनी जो जीवन है वो व्यतीत करने लगा है। अब उसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।